पर रहो ठीक है। चलो मिल रहा है शॉट। वानी कपूर एक ही शॉट है वो सही हो गया। आ जाओ मार दो। आ जाओ वानी कपूर थोड़ी है क्या तुम पीछे सामने लाल दे रहे हो। मैम उधर ही रुक जाइए। मैम वेट 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 उधर ही उधर ही उधर ही जाएंगे। एक मिनट इधर विजुअल लेके उधर ही जाएंगे। विजुअल विजुअल हां विजुअल लेके उधर ही जाएंगे। चलो उधर ले गया उधर ले लो स्टैंड के पास अंदर लो। हां सोलो कर लेना सर। अच्छा सोलो ही उधर करना है थोड़ा यहां ठीक है सोलो कर लेते हैं। सोलो पीछे का लाइट बंद कर दो ना गाड़ी का। चलो भाई उधर ही बुला ले। चलो चलो उधर ले लो बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेल इट्स अ लिटिल कलरफुल एंड अ ग्लिटरी एंड अ शाइनी क्योंकि इट्स अ सेलिब्रेशन। देयर इज अ पार्टी हैपनिंग सो ऑब्वियसली एंड दिस इज अ आउटफिट जो आप सॉन्ग में भी देखेंगे सो इसकी एक झलक देखेंगे। सो दैट्स व्हाई आई थॉट इट्स अ ग्रेट आइडिया टू यू नो वेयर एन आउटफिट व्हिच इज एक्चुअली बीन सीन इन द सॉन्ग आल्सो। बहुत ज़्यादा तैयारी हो तो अंदर आप लोग देखेंगे। अभी पार्टी है लॉन्च है सो आई एम लॉन्चिंग माई ओन वेंचर टुडे विच इज़ मून रिकॉर्ड्स। सो आई एम कमिंग अप विथ माई ओन म्यूज़िक लेबल और उसके साथ ही आई एम लॉन्चिंग माई फर्स्ट सॉन्ग विच इज़ नचले जो अभी आप सब देखेंगे हमारे साथ। सो इट्स अ ट्रिपल सेलिब्रेशन। वी हैव द रिकॉर्ड लेबल द सॉन्ग लॉन्च एंड द बर्थडे सेलिब्रेशन सो ऑल थ्री ऑफ अस हैप्पी टुगेदर। सो मैं पिछले कई साल से आई वॉज डूइंग म्यूज़िक एल्बम्स एंड सॉन्ग्स फॉर अदर आर्टिस्ट तो मैंने सोचा क्यों नहीं अब कुछ अपना खुद का वेंचर स्टार्ट किया जाए बिकॉज आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि सारे आर्टिस्ट अपने खुद के लेबल ओपन कर रहे हैं और इसमें सिर्फ मेरे ही सॉन्ग्स नहीं होंगे बल्कि आई वुड वॉन्ट टू गिव अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल द बडिंग सिंगर्स लिरिसिस्ट कंपोजर्स डायरेक्टर्स क्योंकि इतने साल इंडस्ट्री में रह के मुझे रियलाइज हुआ देयर इज लॉट ऑफ टैलेंट बट मे बी देयर पीपल डोंट गेट द राइट प्लेटफॉर्म द बिगर लेबल्स दे डोंट गिव देम द चांस एंड द अपॉर्चुनिटी। सो आई वॉन्ट टू गिव यू नो अ चांस एंड अपॉर्चुनिटी टू एवरीबडी हु इज देयर इन द इंडस्ट्री। सो द सॉन्ग हैज बीन शॉट इन दुबई और इट टॉक्स अबाउट द स्वैग ऑफ अ गर्ल मतलब यू नो मेरे अंदर कितना स्वैग है और यू नो द स्टोरी लाइन इज़ लाइक मेरे पीछे लड़के हैं मेरे पीछे ये है वो है गेड़िया मारते हैं बट आई रियली डोंट केयर अबाउट एनीबडी एंड आई नो आई एम द बेस्ट और आई जस्ट बिलीव इन डांसिंग माई सेल्फ आउट और नचले मेरे साथ आके नचले। इट्स जस्ट अ सॉफ्ट टैपिंग पार्टी नंबर। सबसे पहले तो स्पेशल मेरी फैमिली यहाँ पे मौजूद है। माई मॉम माई सिस्टर एवरीबडी इज़ हियर विथ मी। आई थिंक उनसे ज़्यादा स्पेशल कोई नहीं होता है सो आई एम वेरी हैप्पी टू हियर विथ मी। और अभी सोनू जी आए थे अभी सतीश जी जस्ट आए हुए पार्श्वत ने देन दे आर लॉट ऑफ अदर नेम्स फ्रॉम द इंडस्ट्री जो आप देखते जाएंगे दे विल कीप अराइविंग तो आप जरूर देखेंगे। बर्थडे को लेकर लोग बहुत एक्साइटेड तो रहते हैं हम आपकी एक्साइटमेंट जानना चाहते हैं कि आप अपने बर्थडे को लेकर कितने एक्साइटेड रहते हो। एक्चुअली मुझे बहुत शौक है बर्थडे मनाने का। मैं हर साल कुछ ना कुछ लाइक इवन इफ इट इज़ नॉट अ वेरी आउट गोइंग पार्टी देन आई लाइक टू डू सम सॉर्ट ऑफ पार्टी विथ माई फ्रेंड्स एंड ऑल। सो या मुझे बर्थडे का एक्साइटमेंट रहता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं एक साल यू नो यू टर्निंग ओल्डर आई फील आई एम टर्निंग यंगर वन ईयर।
आपके बर्थडे का जो डे होता है वो आप कैसे स्टार्ट करते हैं? सो एक्चुअली आई एम ब्रिंगिंग इन द बर्थडे. अभी मेरा बर्थडे 23 January को है. सो मैं ब्रिंग इन तो विद द लॉन्च कर रही हूँ. फॉर द पास्ट 3 years आई हैव बीन डूइंग सम ऑफ द अदर सॉन्ग लॉन्च ऑन माई बर्थडे. पिछले साल भी आप लोगों ने देखा था कि आई हैड कम अप विद पल्लू लटके. और इस साल जैसे ही सुबह होगी सो आई एम गोइंग टू एन ऑर्फनेज टू किड्स. उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, गाना गाती हूँ. आई लाइक टू डांस विद देम एंड माई एंटायर आफ्टरनून इज डेडिकेटेड टू देम. ऐसी मेमोरी तो मतलब यही फॉर पास्ट 3 years अब जिस बीन लाइक यू नो लॉन्चिंग सम ऑफ द अदर. तो मैं ये कोशिश करती हूँ कुछ अच्छा कंटेंट दूँ ऑडियंस को कि यू नो एक नए गाने के साथ आऊँ, कुछ नया एंटरटेन करूँ लोगों को. तो मेरा यही मकसद रहता है कि अपने बर्थडे वाले दिन दूसरों को कुछ अच्छा एंटरटेन करूँ. माय मॉम मॉम का केक सबसे पहले कट करती है. मॉम का जो केक होता है वो होममेड होता है या फिर वो बाहर से आता है? वेल कभी कभी वो घर पे बनाती है, लेकिन इस बार टाइम नहीं मिला है तो हम लोग ने बाहर से ही यू नो केक ऑर्डर किया था. सो लास्टली आपके फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सभी फैंस को ये कहना चाहूँगी कि मून रिकॉर्ड्स पे नचले सॉन्ग आज रिलीज़ हो चुका है. द सॉन्ग इज़ आउट. सो उसको प्लीज़ गाने को ज़रूर देखें और पसंद करें और अपनी रील्स बनाना ना भूलें. एंड प्लीज़ गिव एज मच लव एज यू कैन टू माई सॉन्ग. जैसा आपने मेरे पहले सॉन्ग्स को भी दिया है तो इस सॉन्ग को भी प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दें. इसी के साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे बिग बॉस का जो सीज़न चल रहा है 16, क्या आप उसे फॉलो कर रहे हो? Not really. I'm not following that season too much. But I mean, जो थोड़ा बहुत आप social media में देखने को मिलता है उसके through I've been seeing. I think MC Square he's doing pretty well. Yeah. And Sajid was in. Abdul Rozek is very entertaining. बहुत ही cute है वो. And I don't know why did he come out of the house. He was so cute and so entertaining. So yeah, I really enjoyed watching him. जैसे कि आपने अब्दू को बताया कि वो entertaining है, तो आपने अगर social media पे भी देखा होगा तो आपको बोरिंग कौन लग रहा है? ये तो बहुत मुश्किल है सोशल मीडिया पोस्ट से ये बताना कि बोरिंग कौन है. बट या एवरीबॉडी इज डूइंग वेल. लेट्स सी हु इज द विनर. आई थिंक बहुत जल्दी फिनाले होने वाला है. सो यार लेट्स सी. इसी के साथ ही पठान का ट्रेलर रिलीज हुआ है, शाहरुख खान की मूवी है. तो अगर आपने ट्रेलर देखा है तो शाहरुख खान इज लुकिंग रियली हॉट एंड दीपिका इज लुकिंग स्टनिंग. एंड उनके दोनों ही गाने जो आए हैं बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही ज़्यादा अलग डिफरेंट. एंड आई रियली लव द ट्रेलर एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द मूवी. सो आई हैव नॉट बीन एबल टू वॉच द मूवी येट, बट आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच इट. जैसे कि मूवी अभी जल्दी रिलीज होने वाली है और ऑलरेडी जो बॉयकॉट गैंग है वो मूवी को टारगेट बना रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब बॉयकॉट गैंग के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? वेल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट ऑन समथिंग लाइक दैट, बट I think she looks stunning. That's all I can say. She really looks stunning. Yeah. इसी के साथ ही अक्षय कुमार की मूवी सेल्फी का ट्रेलर आज रिलीज हुआ है, जिसमें इमरान हाशमी, नुसरत और भी कई स्टार्स नजर आने वाले हैं. अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपका ट्रेलर को लेकर क्या रिस्पॉन्स है? Actually, I have not seen the trailer yet. I'm so sorry. I have not seen it. मैं अपने बर्थडे की तैयारी में इतनी ज़्यादा बिजी हूँ, अपने खुद के गाने लॉन्च में इतनी ज़्यादा बिजी हूँ कि मैंने देखा नहीं अभी ट्रेलर. तो आपको आपके गाने को लेकर जो मतलब क्या एक्साइटमेंट आपको अभी से अंदर है? आई एम जस्ट वेटिंग कि कैसा रिस्पॉन्स आएगा, कितने व्यूज़ आएंगे. मेरा एक गाना था जो अभी ऑलमोस्ट विच हैज़ टच 500 million, विच इज़ लल्ला लोरी. तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारा नचले भी 500 million 1 billion तक पहुँचे. आप उसको ऐसे ही प्यार दें और मून रिकॉर्ड्स पे आने वाले सभी गानों को, सिर्फ यही नहीं, एवरी 15-20 डेज एल बी ए सॉन्ग कमिंग अप. तो बस यही चाहती हूँ कि उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दें हमारे चैनल को. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत आपको देखते हैं टीवी पर. Achha, this is the release of your album or something? Yeah, so this is a song. So that's my music label. It's a Moon Records. Oh, congratulations. So this is the first or you're releasing it? So this is the first song. First time I'm launching the music label. And the first song. अपन उसमें गाने तो बहुत कर चुके हो ना. ऐसे तो मैंने बहुत किया. दिस इज योर ओन. दिस इज माय ओन, लाइक फर्स्ट सॉन्ग ऑन माय ओन लेबल. सन बाय. अच्छा.
अच्छी तो सिंगर ऑफ है सर थोड़ा आगे Hi, this is congratulations, Deepthi. Thank you. It is a double celebration. Thank you so much. Is your birthday also, and your label being launched today. You know, Moon Records. Yes. You know, though you have kind of done so many videos and as a singer and as an actor, but this is your first your own company. On my label, yes. And so I wish you all the best. Thank you, sir. Now thank this you is so going much. To create waves, definitely, like your own. वीडियोज अब तो आपकी खुद की कंपनी है तो उसके तो व्यूज और वो ज्यादा आएंगे असल में सो कांग्रेचुलेशंस एंड इट इज अ ग्रेट ऑनर टू बी हियर एंड टू विश यू स्पेशली माय फ्रेंड विकास मालू हैज रियली सेंट थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड जॉइनिंग अस इट रियली मींस अ लॉट थैंक यू कांग्रेचुलेशंस दीप्ति कैसा फील होता है जब ऐसे हमारे सीनियर एक्टर्स इतने प्यार से बर्थडे विशेस देते हैं और इतनी दुआएं देते हैं कैसा फील होता है वेल इट्स वेरी ओवरवेलमिंग आई मीन सर आए हमारे बीच बहुत बड़ी बात है वक्त निकाल के ही हैड अ वेरी बिजी स्केड्यूल स्टिल उन्होंने कहा मैं आऊँगा ज़रूर तुम्हें विश करने के लिए सो दैट रियली मीन्स अ लॉट सो थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस थैंक यू देखिए जन्मदिन का मौका है और जन्मदिन पे तो आप आशीर्वाद दे सकते हैं है ना विशेस दे सकते हैं पर क्योंकि ये डबल सेलिब्रेशन है क्योंकि तो इनकी कंपनी भी लॉन्च हो रही है एक तरह से मतलब कंपनी का पहला बर्थडे है जन्मदिना पहला बर्थडे है बॉर्न कंपनी इज बॉर्न टुडे सो मेरी विशेस तो ये रहेगी कि इन्होंने पहले भी अच्छा काम किया है ना और आगे भी अच्छा काम करते रहें और अपने उपलब्धियों के और झंडे गाड़ते रहें आगे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें अपनी ऑडियंसिस को खुश रखें यू नो और बहुत बड़ा क्लास काम करें जो कि इन्होंने पहले कभी किया है असल में हमेशा सो मैं तो यही विश करूँगा और आगे तरक्की हो बढ़ते रहें और नाम कमाएं इसी के साथ ही सर कल सुनील शेट्टी सर की बेटी आतिया शेट्टी और के राहुल की शादी है उन्हें कैसे आप विशेष देना चाहेंगे आशीर्वाद ही देंगे अन्ना की बेटी की अगर शादी है तो माय बेस्ट विशेस टू शेट्टी परिवार एंड अपना उनकी बेटी को तो बहुत बहुत उन दोनों के गठबंधन को यही बोलेंगे अन्ना हम सबके प्यारे हैं और इंडस्ट्री के दुलारे हैं तो उनके उनकी फैमिली के लिए और उनकी बेटी की शादी है तो हमारा आशीर्वाद और प्यार तो बना रहेगा हमेशा थैंक यू सॉर्ट आउट हो गया आपका कभी शादी मेरे पार्ट में अभी कौन सा गाना है अभी अमृतसरी जी में या सो हाँ सो आज दीप्ति का बर्थडे है आप आए हैं दीप्ति के पार्टी में मतलब दीप्ति को और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर रहे थे सो क्या कुछ कहना चाहेंगे कैसे विश देना चाहेंगे देखिए आज तीन चीज़ों का सेलिब्रेशन है पहली बात तो मून चैनल जो म्यूज़िक चैनल लॉन्च हुआ है प्लस नच ले गाना दीप्ति जी का जो आज लॉन्च हुआ है एंड थर्ड जो सबसे बड़ी बात है इनका आज बर्थडे है और लास्ट ईयर भी मैं आया था मेकअपा जी के घर में हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था और इस साल हम लोग यहाँ पे हैं सो तीनों चीज़ों के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस दीप्ति जी आपको और ये ऐसे ही बढ़ें ऐसे ही चमकें बहुत अच्छा काम करती हैं ये एंकरिंग भी करती हैं एक्टर्स भी हैं और इसके बाद में इतने अच्छे अच्छे म्यूज़िक वीडियोस भी सबके सामने लेके आती हैं तो ये ऑलराउंडर हैं और मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई अमित जी का खुद ही आपका भी गाना आया हुआ है जो अभी किसी ने हमें बताया तो उसके बारे में तो बताना चाहेंगे लास्ट अभी अमृतसरी जुगनी आया लोगों ने बहुत पसंद किया उसके पहले राधे राधे जो मेरा ब्लॉकबस्टर गाना है
तो यही चल रहा है, गाने आते इनके गाने हर 10 दिन में इनके भी गाने आते ही रहते हैं, आई एम श्योर आप लोग मिलते रहते होंगे और बहुत बड़े बड़े सुपरहिट गाने ये भी अभी बहुत सारी मूवीज़ में इनके गाने आ रहे हैं, सो लुकिंग फॉरवर्ड आपके नेक्स्ट सॉन्ग के लिए। देखिए मैं कंपोज़र भी हूँ, मेरे एज अ कंपोज़र सिंगर भी कई गाने आए हैं, तो देखना पड़ता है कि अगर मैं कोई म्यूज़िक क्रिएट कर रहा हूँ तो उस मार्केट में कौन कौन से गाने आ चुके हैं और मुझे क्या नया करना है। तो अभी रेमो सर के साथ में कुछ गाने आ रहे हैं तो मैंने एक अलग स्पेनिश मूवी म्यूज़िक उसमें ऐड किया है, तो थोड़ा सा अलग अलग करता रहता हूँ ताकि अलग लगे लोगों से, और जिसका अलगपन में जिसका हिट हो जाता है वो चैंपियन हो जाता है। जैसे अभी कोविड के टाइम पे पार्टी नंबर्स नहीं चल रहे थे, फिर दे वो मोर ऑफ यू नो स्लो रोमांटिक या फिर सैड जॉनर ज़्यादा चल रहा था, अभी वापस लोग दुनिया पूरी खुल गई पैंडेमिक के बाद, तो फिर वापस वीव कम टू द पार्टी नंबर्स अगेन, सो ऑब्वियसली देयर इज़ अ जॉनर इन जोन होता है लोगों का कि एक वक्त होता है कि एक टाइप के ही गाने चलते हैं, सो या जैसे कि आप लोग पूरे कितने अच्छे सिंगर हैं तो हर एक सिंगर का भी एक कोई अपना फेवरेट होता है, तो आपका भी कोई ज़रूर होगा, तो अगर आप बताना चाहें जिसके गाने आप लोग भी सुनना पसंद करते हो। मुझे पर्सनली एक दो गाने बहुत पसंद हैं, एक तो मेरा खुद का राधे राधे तो मैं गाता ही हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं मन पर यहाँ बहुत गाता हूँ, बी प्राक का, तेरी दीवानी कैलाश जी का, तो ये 3-4 गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, रश्के कमर राहत जी का, तो ये 3-4 गाने मेरे फिक्स हैं जो मैं बहुत अच्छे से गाता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लेट्स गो इनसाइड। Yeah.
I would like to welcome you all once again on the behalf of my dear friend Deepthi Sadhwani. So all the friends and media person. So please, three cheers for Deepthi. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Very nice. So this is very special moment for Deepthi and for all of us. क्योंकि आज ट्रिपल सेलिब्रेशन है दीप्ति का बर्थडे है एंड शी इज लॉन्चिंग हर न्यू वेंचर मून रिकॉर्ड्स एंड अलोंग विद दैट शी इज लॉन्चिंग हर न्यू सॉन्ग नच ले सो दीप्ति इज विद अस राइट नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन सो दीप्ति सो व्हाट वुड यू लाइक टू से फॉर ऑल ऑफ अस प्लीज टेल अस क्या है आपका नया वेंचर और कैसे नाम रखा आपने सॉन्ग के बारे में प्लीज टेल अस समथिंग टू अबाउट थैंक यू फ्रेंड्स वेल फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच So this is Deepthi's new venture, Moon Records. So once again, so please don't have Tali Hojai Deepthi ke his new venture career. Congratulations, Deepthi. मैं रेड कार्पेट पे आई ना
मैम इधर भी देखना, मैं तो अकेले ही आती हूँ यार पार्टी में। आज कितना एंजॉय करेंगे मैम? उन्हें बाहर निकालना मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है। मैं पार्टी अपने घर में अच्छी निकाल सकती हूँ। आई नॉर्वे ट्राई करने वाली हूँ। आज और बाइट कर दे Dan, got it? Yes. आई थिंक दीप्ति की पार्टी हमेशा बहुत स्पेशल होती है। दीप्ति अपने बर्थडे पे कुछ ना कुछ स्पेशल करती है। आज दीप्ति ने अपना म्यूजिक लेबल भी लॉन्च किया है एंड साथ में उसका सॉन्ग लॉन्च हुआ है नचले। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दीप्ति, आई एम वेरी प्राउड एंड आई विश ये साल उसके लिए बहुत 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 लकी रहे। एंड शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी गॉर्जियस एंड स्टनिंग पर्सन, वेरी गुड एट हार्ट। तो आई होप ऑल हर विशेज कम ट्रू एंड ये साल दीप्ति आपके लिए बहुत लकी रहे। हैप्पी बर्थडे दीप्ति। यू नो दीप्ति और मेरे हम लोग का कॉमन ग्रुप है एंड कुछ लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो आप जब भी उनसे मिलते हो ऐसा लगता है इन्हें आप सदियों से सालों से जानते हो, आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एंड दीप्ति इज़ ऑलवेज देयर, शी इज़ समबडी हू इज़ जस्ट अ कॉल अवे फॉर मी एंड वो मेरे हर स्पेशल इवेंट, स्पेशल मोमेंट, हर चीज़ में मेरे साथ रही है एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड I hope she stays the way she is, very positive, very talented and a gorgeous girl and all the love for Dipti. Aapki taraf se kya surprise tha Dipti? Main actually town mein nahi thi, to no one was expecting me ki main aaj yahan pe aungi and luckily main yahan aa gayi and I think that itself is a surprise. Mera is party mein yahan hona and I wanted to be there for Dipti because aaj ka din uske liye genuinely bahut special hai, it's a double celebration for. So iske sath hi aapka jo music video hai Don't You Know was like trending on reels and audio हमने पहले release किया and उसके बाद हमने song release किया है. So song को amazing amazing response मिला. मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि finally we are seeing Akanksha Puri as Akanksha Puri with the swag and with the style. So I'm glad कि सब लोगों को मैं Indian में भी, Western में भी, सब चीज़ों में बहुत अच्छी लगती हूँ. So I'm very happy कि Don't You Know is trending on reels and बहुत amazing लगता है जब आपको इतना अच्छा response मिलता है. एंड फटाफट मैं उन्हीं का एक और दूसरा सॉन्ग करने जा रही हूँ. सो अगेन आई बी ट्रैवलिंग एंड शूटिंग फॉर समथिंग विच इज़ अगेन ट्रेंडिंग. आई होप यार कुछ आज मैं दीप्ति के लिए आई हूँ बट अकेले हो या साथ में हो सेलिब्रेशन बना रहना चाहिए एंड वाइब पार्टी की है तो अकेले हो या साथ में हो पार्टी करने आई हूँ और पार्टी करके जाऊँगी. यार अभी मैंने फॉलो नहीं किया बट डेफिनेटली जितना भी फॉलो किया है मुझे काफ़ी लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगे हैं उसमें, स्पेशली शिव एंड प्रियंका एंड एमसी स्टैन. सो आई होप इनमें से कुछ लाइक मैं इनमें से किसी को विनर देखना चाहती हूँ. सो आई जस्ट होप लेट्स सी. बात करेंगे अब्दुल कादिर जी मतलब या उनके बर्गर एंड एवरीथिंग. आई थिंक वो खुद में ही एक ट्रेंड है, जो भी वो बोलते हैं ट्रेंड हो जाता है. तो एंड ही इज अमेजिंग. मैं अभी तक उनसे पर्सनली नहीं मिली, आई होप जल्दी मिल जाऊँ. चालाक ब्रो, आई थिंक दैट्स समथिंग विच इज ट्रेंडिंग एंड उनका बर्गर तो उनके अलावा उससे स्वीटली कोई नहीं बोल सकता जी. जी जी मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ. जो डिजर्विंग है वो हैं अभी तक एंड आई होप जो जैसे मैंने बोला मेरे कुछ पर्सनल फेवरेट्स हैं और आई होप उनमें से कोई ट्रॉफी लेके जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी कि उन्हें उनका लाइफ पार्टनर मिल गया एंड मुझे उन दोनों की जोड़ी में काफ़ी इवेंट्स में उन दोनों को साथ में देखा है, मैंने मिली हूँ एंड बहुत ही अच्छे लगते हैं हमेशा उनका एक साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है. बट उनकी लाइफ में स्पेशली उनकी मॉम के लिए आई होप शी गेट वेल सून और जल्दी आंटी की तबीयत ठीक हो जाए. बहुत स्ट्रॉन्ग है राखी की, इतने सारे उतार चढ़ाव वो अपनी लाइफ में इतने अच्छे से ले लेती हैं. आई डोंट थिंक हर कोई ले सकता है. हर एक दिन उनकी लाइफ में कुछ हो रहा है जो सबके लिए मुझे लगता है उसके बाद सामने आना भी डिफ़िकल्ट होता है बट वो उसे फेस करती हैं. सो हैट्स ऑफ टू राखी एंड शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल. जी
आई थिंक दीप्ति को ऑलरेडी सबके विशेज हैं एंड दीप्ति हर्सेल्फ शी इज़ अ स्टार एंड एक स्टार अपना मून लेबल लॉन्च किया है उसने एंड नचले आई एम श्योर इट्स गोना किल इट एंड दीप्ति इज लुकिंग गॉर्जियस शी इज लुकिंग स्टनिंग इन द सॉन्ग सो नचले फॉर यू टुडे इसी के साथ ही सुनील शेट्टी सर की बेटी कल आती है और यार जब भी किसी की शादी की न्यूज़ सुनती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये जोड़ियाँ बनती हैं क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ हम जोड़ियाँ टूटने की सुनते हैं तो जब भी कोई जोड़ी बनती है और उन्हें ये फाइनली ब्लेसिंग मिल रही है विथ मैरिज सो ऑल द बेस्ट लाइक इट्स अ ब्यूटिफुल जोड़ी आप दुल्हन के रूप में कब दिखने वाले हो मुझे नहीं लगता अभी इतनी जल्दी अभी ये साल के रेजोल्यूशंस बहुत हाई हैं काम को लेके तो मुझे नहीं लगता इट्स ऑन द कार्ड्स एनी टाइम सून थैंक यू सो मच एंड हैप्पी बर्थडे दीप्ति तरुण आई वांट टू डू सम बाइट्स विद हिम आल्सो विल डू मैं बीच में आती हूँ मेरा प्लीज 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 इट्स माय बर्थडे तो आज दीप्ति की बर्थडे पार्टी में आप लोग आ गए हो कैसे विश देना चाहोगे और क्या कुछ सरप्राइज लेकर आए हो आप दीप्ति के लिए सरप्राइज तो एक्चुअली दीप्ति ने दिया है हमको अपना एक नया चैनल लॉन्च करके सो कंग्रेचुलेशन दीप्ति फॉर दैट एंड वेरी हैप्पी बर्थडे मैंने एक छोटा सा तोहफा आपके लिए लाया विच इज अ बोनसाई सो तरुण नोज दैट आई लव प्लांट्स सो दैट्स अ वेरी थॉटफुल गिफ्ट एंड इट्स गोना स्टे विद मी फॉरएवर थैंक यू सो तरुण और हमने एक अभी हाल ही में रील बनाई थी जो काफी वायरल हो चुकी है एक्चुअली रील्स हमारी चल रही है जो एक वायरल चल रही है हमारी रील साथ में ये 5.5 मिलियन इट हैज क्रॉस्ड and so, lot yeah. more to go yes so abhi abhi dipti ka ek gana launch hua hai kya aapne dekh liya wo gana haan ji bilkul dekh liya hai wo gana bahut hi amazing hai and best wishes to you ki gana bahut zyada chale amazing voice she has already and hopefully aage isi tarah aapka jo label hai wo aage badhta rahe and we get to see more on this thing Thank and you. more dance videos also because yes. mera background dancing se hai so yeah, I would love to Jalak see Dikla Ja. yeah I was in Jalak Dikla Ja I've covered a few other shows but yes would love to see more dance videos on Deepthi's yeah, channels we'll, very we'll, soon we'll do some dancing videos haan ji, soon haan ji, we'll do something kya batana chahenge aapke aur Deepthi ke bond par kaise dosti start hui aur Deepthi ko kitne jaldi gussa aata hai okay ye dosti bahut hi nayi hai basically दीप्ति का एक गाना था लखा विचो जिसके प्रमोशन के लिए मुझे बुलाया गया था एंड वहाँ पे मैं इनसे मिला एंड बहुत ही कम वक्त में मैंने जो इनके साथ एक रील बनाई और डांस किया एंड गॉट टू नो दैट शी इज़ आल्सो अ सिंगर आल्सो एन एमसी एंकरिंग करते हैं मतलब इतना मल्टी टैलेंटेड शी इज़ एंड आई वाज ग्लैड एंड हमने उसके बाद और रील्स बनाए एंड सिलसिला चलता रहेगा and hopefully soon a music video maybe so aap kya kaise wish dena chahenge dipti ke birthday I just wish her all the best jaisa maine inko pehle bhi bataya a multifaceted person she is apna birthday bash par apna music video launch kiya aur apna music label launch kiya it's a big achievement and at such a young age obviously so all the best to you and achieve greater heights thank you so much all right thank you that's how much fun Can I do it myself? Yes, yes. Oh my god.
कल बहुत वर्कआउट कर लेना. इट्स ओके, कल ज्यादा कार्डियो, 45 मिनट्स एक्स्ट्रा. नहीं, कल दूसरा केक कटेगा. बर्थडे केक चल रहा है भाई, बर्थडे सीजन चल रहा है. और कितने केक है? वो 6 केक है. 12 बजे बर्थडे तो चालू होने दो मेरा. या मैं तेरा बर्थडे ना 12 बजे स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ. Congratulations for Deepthi. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. गाने को भी इतना ही प्यार देना. डू शेयर इट, डू सब्सक्राइब इट, एंड साथ ही साथ बिग रील ऑन इट. बिग रील, रील ऑन इट. और सब लोग निधि, प्लीज सबके यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कराओ. दिस इज माय बर्थडे गिफ्ट इफ यू गाइस सब्सक्राइब. दिस इज माय बर्थडे गिफ्ट इफ यू गाइस सब्सक्राइब टू मून रिकॉर्ड्स एंड लाइक माय सॉन्ग एंड मेक अ रील, मेक इट ट्रेंड, जस्ट स्प्रेड द सॉन्ग. एंड डोंट फॉरगेट टू टैग दीप्ति सालवानी, राइट? बहुत मेहनत की है दीप्ति. आई नो पर्सनली. देन यू गेट अ सरप्राइज गिफ्ट एज़ वेल. दैट इज फ्रॉम प्रेजेंट साइड. I'll do anchoring for free. नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ. फैजल ने कहा जो रील टैग करेगा हम सबको, उसको मिलेगी 2 रातें इन ऑस्ट्रेलिया. 2 रातें मेड बाय यू. रातें विद मोक्स. तो अभी देखो नेक्स्ट सॉन्ग भी हमारा लॉन्च हो गया. रातें रातें सॉन्ग उसको ऑस्ट्रेलिया में शूट करेंगे. नचले जैसा गाना है, लेट्स डांस टुगेदर. नचले ले 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 नचले मेरे नाल. नचले ले 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 नचले मेरे नाल. लवली सॉन्ग. थैंक यू गाइस, थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर वीडियो. थैंक यू सो मच. फोटो आप कराइए ना पहले. अरे भाई फोटो फोटो सर, यहां पे आप फोटो फोटो फोटो. अरे क्या है यार, राइट साइड राइट साइड में भी
सर अशोक जी मैडम यहाँ पर थैंक यू सो मच इधर अच्छा पूछो फटाफट पूछो फटाफट पूछो क्या पूछो हम दीप्ति साधवानी को बर्थडे में बहुत हार्ड वर्किंग गर्ल है बहुत गर्जियस लेडी है और उनको हम बर्थडे की शुभकामना देते हैं प्लस बर्थडे की दिन इन्होंने बहुत एक सरप्राइजिंग सॉन्ग लॉन्च कर क्या है इन्होंने नस्ले लेवल की तो ये सॉन्ग की बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है हम आप लोगों से यही विश करते ये सॉन्ग की आप लॉन्च होते ये सॉन्ग की मज़ा लीजिए देखिए और अपना फीडबैक कमेंट्स दीजिए ये दीप्ति जी हमारी JW में मेरा कंपनी के निर्देशन में एंकरिंग किए थे बहुत गर्जियस गर्ल है बहुत ब्यूटीफुल लड़की है हार्डवर्किंग है हम इनकी हार्डवर्किंग को अप्रिसिएट करते और अच्छे से लोग हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहते हैं और हम भी चाहते हैं अच्छे से लोगों के साथ हमेशा जुड़े रहने की कोशिश करते हैं शुभकामना देते बर्थडे में और नेक्स्ट 12 बजे के बाद और भी कुछ न्यूज़ बताएंगे आपको सो मैंने क्या कहना चाहेंगे आपके बर्थडे में खुदम शेख सर आए हैं कितना एक्साइटेड है आप और कितने खुश हैं आपको यहाँ देखकर सो मैंने इनका लॉन्च किया था ईवा एरा फिल्म्स का और JW मैरियट में हाल ही इन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है जिसमें नई मूवीज़ नए सॉन्ग्स लेकर आ रहे हैं स्पेशली फॉर द भोजपुरी इंडस्ट्री तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था इनका सो आई वाज लॉन्चिंग दैट ब्रांड फॉर हिम तो तब से मैं इनको जानती हूँ और ही इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन एंड यू नो ही वॉन्ट्स टू डू लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द आर्टिस्ट तो हमेशा ये आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं कोई कुछ भी नया काम करता है तो उसको हमेशा पीछे से सपोर्ट करते हैं सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट हिम तो इनफैक्ट हमारी बात चल रही थी अभी कुछ गाने साथ में करने के लिए फॉर ईवा एरा फिल्म्स तो देखते हैं आगे कुछ होता है तो दीप्ति जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं थैंक यू आप ऐसे ही दिन दूरी रात चौगुनी तरक्की करते हैं थैंक यू और इनकी इनके सॉन्ग अभिषेक सर ने मुझे 100 बार दिखाया होगा लल्ला लल्ला लोरी भाई तो मैं लल्ला लल्ला लोरी इनकी नाम दीप्ति साधवानी नहीं है लल्ला लल्ला लोरी है तो इनको हमारे साथ में सारे फ्रेंड सर्कल को पता नहीं इनकी नाम क्या है लेकिन लल्ला लल्ला लोरी बराबर पता है कि इतना बार हमने ये सॉन्ग इनको देखा सुना है भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं बार बार देखते हैं तो मैं इनके ऑफिस में जब जाती हूँ तो मेरा सॉन्ग स्क्रीन पर चल रहा होता है ये बहुत जल्दी हम काम करने की हम जुड़े हैं तो हमारा नेक्स्ट कुछ अच्छा हम सोच रहे हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट 2023 और बर्थडे के हिसाब से हम सोच प्लान कर रहे हैं और क्या क्या आपके प्रोडक्शन से क्या क्या आ रहा है हिंदी ओनली सर आपके प्रोडक्शन से और क्या कुछ नहीं आने वाले हम प्लान बता रहे तो प्लान डिस्क्लोज नहीं कर सकते प्राइवेसी बट मैं आपको इतना बता दूं सॉन्ग से हम स्टार्ट करेंगे मैं बता दूं उन्होंने 100 सॉन्ग्स का बैंक ऑलरेडी तैयार रखा हुआ है और ये बैक टू बैक सब प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं एकदम बैक टू बैक रिलीजेस होंगे रिलीज करेंगे थैंक यू सो मच थैंक यू हमारी पूजा जी का है पूजा जी आए क्या नहीं क्या क्या है छुट्टी पे संडे है अच्छा संडे बन रहा है पूजा की बैठ लेना आइए अंदर चले हाँ चलिए ना आइए आइए सुनो ना 26 जनवरी आने वाला है क्या कुछ देश के बारे में कहना चाहेंगे हम 26 जनवरी की
यही ऑल इंडियंस शुड बी यूनाइटेड एंड हम कोई भी क्राइम इलीगल से दूर रहे और सारे यूनिटी को हम रेस्पेक्ट करें और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडियंस लॉज इसको रेस्पेक्ट करें इसको ऑर्डरेंस लॉज बना रखें। I like to wish all the Indians a very very happy Republic Day और celebrate करें इसको obviously उसे तो सबकी छुट्टी होती है तो कुछ लोग parade देखने जा रहे हैं I've heard इस बार सबसे ज़्यादा संख्या में लोग दिल्ली जा रहे हैं parade देखने के लिए so that's a very good thing और देशभक्ति की भावना को हमेशा बना कर रखें जय हिंद सर भाई के जी कैसे मनाते थे आप बताएं मत उसको हमारी लॉयर एडवोकेट से कुछ बाइट ले लो आपसे कुछ बाइट दे दो हैप्पी बर्थडे विश तो करो पहले हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे अच्छा यहाँ जी मैं आइवेरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आइवेरा फिल्म्स की तरफ से हम सब की तरफ से मैडम को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे विश करता हूँ और गुड विशेस करता हूँ और अशोक सर का भी थैंक यू करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हम बहुत जल्द बहुत अच्छी भोजपुरी इंडस्ट्री में और फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे फिल्म्स और वर्क करेंगे 26 जनवरी के बारे में 26 जनवरी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है हमारे देश का रिपब्लिक डे है और 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं इस साल तो और हमारा देश एक सुपर पावर बन रहा है और इसके लिए हम सबको बहुत प्राउड फील करना चाहिए थैंक यू थैंक यू बस बस करें अंदर जाके मॉम को ले यार क्या यार अखिलेश एंजेला एंजेला इसके अंदर है चलो जाने दो अभी आपके सब का नहीं टाइम लगेगा बस अंदर चलो चलो रोलिंग ये कौन कर रहा है लाल बाबू काउंट से करना काउंट से गो फॉर इट हैप्पी बर्थडे टू दिल्ली लहर साहब अच्छा हमारा आइवेरा इंटरनेशनल लिमिटेड की तरफ से छोटा सा एक गिफ्ट है दीप्ति साधनी के लिए ये गिफ्ट इनके हाथ से ओपन करा जाए इनके देखिए इसके अंदर क्या है नहीं नहीं क्या है देखिए इसके अंदर खुला डब्बा भी हो सकते हैं इनिट अनबॉक्सिंग मिसाइल है मिसाइल
अरे आईफोन की तरह दिखता है लेकिन देखो तो सही नहीं और भी कुछ हो सकता है दुनिया में सब फिल्म प्रोड्यूसर छोड़ के एप्पल प्रोड्यूसर नाम रख दिया मेरे को से This is for our gorgeous girl Deepthi Chaudhary. This is my Masi. Namaste. Driver, Can we start? Yes, yes. So, Ami Raja Dipti ke birthday mein aa gaye. Kaisa unka wish dena chahenge? Unka song launch bhi hua hai aaj. Dipti is a very, very old friend of mine, and I always dil se wish her all the best. She's always been growing in her life. She's the best MC we have. Main sirf promotion karne nahi aaya hu, but she's the best host we have. And she's a very good singer. She surprised me. And she's very hardworking. Wo dance karna janti nahi thi. Ab jab maine uska video dekha, I was so happy for her. Thank you. हम इवेंट्स में मिलते थे एंड देन वी जस्ट बिकेम वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड या अभी फ्रेंडशिप के बारे में मैं क्या बताऊं एंड एक सॉन्ग आने वाला है मून रिकॉर्ड्स पे उसका नाम है एवेना रुसिया जो ऑलरेडी शूट हो चुका है जिसमें आमिर और मैं फीचर कर रहे हैं सो वो गाना आप बहुत जल्दी देखेंगे और दोस्ती के बारे में क्या बताऊं मतलब हम लोग शोज़ पे साथ में मिलते आ रहे थे काफ़ी सालों से एंड ही सच अ genuine person such a sweet person and it's not about me it's about you right now no yeah okay, okay. see like that he's very funny also so that's the best thing and I really enjoy when we on stage or when we shooting together it's so much fun so yeah dosti matlab bolne ki zarurat hi aapko samajh mein aa jayega so hum isi ke sath hi big boss 6 chal raha hai kitna follow kar rahe hain aap big boss last ek deedh mahina follow kiya then I missed out because main travel kar raha tha This I think the season is really good. जितना भी मैंने देखा last एक महीना मैंने miss किया है but it's really good. अब वो आप पूछेंगे मेरे favourites कौन है कौन जीतेगा उस वक्त मेरे फेवरेट थे वो गैंग वो साजिद अब्दू शिव एंड स्टैन दे वर माई फेवरेट्स अब मुझे एक्चुअली पता नहीं कौन बचा है कौन गया है बट आई यूज टू लाइक दोज पीपल अंटिल द फर्स्ट वन एंड हाफ मंथ थैंक यू थैंक यू नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स आई हैव कपल ऑफ रिलीजेस जब आप देखोगे तो आप जान जाओगे फिलहाल थर्ड को एक फिल्म रिलीज हो रही फराज जिसमें मैं हूँ सो आई एम वेटिंग फॉर दैट टू हैपन हंसल सर की फिल्म है एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट टू हैपन मैंने आपको बताया ना मैं लास्ट एक महीना फॉलो नहीं किया लेकिन स्टार्टिंग के डेढ़ महीना मैंने पूरा आई एम अ ह्यूज बिग बॉस फैन एंड मैंने सारे एपिसोड्स देखता था
एंड जैसे मैंने बताया मेरे फेवरेट्स थे साजिद अब्दू स्टैन और शिव आई लाइक दैट गैंग नहीं है शिव मैंने देखा नहीं मैं एक महीने से मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है तो आई थिंक जितना अब मुझे नहीं पता है क्या होता है ना बिग बॉस का हर 15 दिन चेंज होते रहते हर 10 दिन चेंज होते रहते उस वक्त मेरे फेवरेट्स वो थे अब नहीं पता लोग कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं डैम क्यूट है मैं क्या बोलूँ उसके बारे में ही इज द क्यूटेस्ट थिंग राइट नाउ ही सो क्यूट जो बोलता है वो स्वीट है उसके बारे में I have no idea. I'm sorry, मुझे नहीं पता है कुछ क्या हो रहा है राखी के लिए बट आई विश हर ऑल द बेस्ट शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन मैं उनको हमने दो रियलिटी शोज किए क्लोजली तो मैं जानता हूँ कि दिल की बहुत अच्छी है वो बोलती बहुत ज़्यादा है लेकिन वो सिर्फ बोलती है एक्चुअली दिल की अच्छी है मैं जानता हूँ बट आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड हर मॉम स्पीडी रिकवरी